एक बार मैं इसे रिकैप कर देता हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए ना। तो बेटा लास्ट क्लास में अपने क्या पढ़ा था, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अपने को क्या पढ़ा था, पीएचओ पे वीक एसिड। तो बेटा पीएचओ वीक एसिड में अपन बात करें, जैसे अपने पास 300 ml ऑफ 0.1 मोलर है CH3COWH, इसका अपने को क्या निकालनी है बेटा, पीएच। तो हमें पता है एक वीक एसिड है, तो ये 100% तो टूटेगा ही नहीं, तो 100% नहीं टूटेगा, तो अपन क्या लिखेंगे 0.100, 0.1 माइनस ए एक्स, और ये क्या आ जाएगा बेटा, एक्स और एक्स। तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसका इक्विलिब्रियम 1.8 × 10 की पावर -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस ए एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा, 1.8 × 10 की पावर माइनस ए 6। तो x के लिए हमने क्या कर दिया बेटा, इसको 1.8 को क्या सोल्व कर दिया, 180 × 10 की पावर माइनस ए 8, क्योंकि 1.8 को अपन सोल्व नहीं कर सकते रूट में, लेकिन 180 को कर सकते हैं। तो 180 का हम राउंड राउंड ले लेंगे, 169 है, मतलब 13 से ज्यादा और 14 से कम। तो हमारे पास कितना आ गया, 1.36 × 10 की पावर माइनस ए 3। ये हमारे पास x आ गया, तो हमने पीएच निकाल लेंगे, पीएच माइनस लॉग इंटू 13.6 × 10 की पावर माइनस 4। बड़ी वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि छोटी वैल्यू को हमें फिर से लॉग नहीं लेना था, ठीक है। तो इससे हमें क्या आ जाएगा बेटा, पीएच क्या आ जाएगा, पीएच। अब अल्फा निकालना हो तो अल्फा क्या होगा, एक्स अपॉन ए। तो एक्स कितना है बेटा, 1.36 × 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 0.1, और जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0.1 से कटेगा -2। तो ये अल्फा और ये परसेंटेज में, किसमें बेटा, परसेंटेज में, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, 300 ml ऑफ एच एफ सोल्यूशन, क्या है बेटा 300 ml ऑफ, इसको मार्कर क्या है, 300 ml ऑफ एच एफ सोल्यूशन। तो आप क्या करोगे बेटा, फिर से एच एफ है बेटा, किसमें टूटेगा, एच प्लस और एफ माइनस में। तो हमें इसकी कंसेंट्रेशन इनिशियल है 0.1 मोलर, तो 0.100, 0.1 माइनस ए एक्स, और ये एक्स और एक्स, तो 10⁻⁴ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स। एक्स को नेगलेक्ट मारा तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, और -5। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फिर से इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो 3 × 10 की पावर माइनस ए 6, सॉरी नोट 3, 10 × 10 की पावर माइनस ए 6, इसका रूट ले लेंगे अपन। तो इसका कितना आ जाए, 3.1 × 10 की पावर माइनस ए रूट -3, क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, x, इसकी अपन पीएच ले लेंगे, तो पीएच क्या आएगी बेटा, माइनस लॉग 3.1 × 10 की पावर माइनस ए 3, तो क्या आ जाएगा, 3 − log 3, ठीक है। तो ये हमारे पास पीएच आ गई। अल्फा अगर पूछे एचएफ का तो क्या आएगा बेटा, 3.1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.1, 3 × 10 की पावर माइनस ए 2, कितना आ जाएगा बेटा, 3.1, क्लियर है, आसान है। तो ये क्या हो गया बेटा, पीएचओ पे वीक एसिड, वीक एसिड बेस होगा तो बेटा OH आता, बेस होता तो क्या आता, OH, सेम POH आता, इसी तरीके से क्या आता बेटा, POH। नेक्स्ट शेड्यूल लगाओ बेटा, कॉमन आयन इफेक्ट, वो भी पढ़ाएंगे, बफर होता ना। क्या बेटा, बेटा अपने कॉमन आयन है, कॉमन आयन इफेक्ट कुछ नहीं है, साइमल्टेनियस इफेक्ट, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को पढ़ने का दूसरा तरीका है। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या था, कॉमन टर्म सब जोड़ दो, कॉमन टर्म सब जोड़ दो, तो बस ये मान लो कॉमन आयन इफेक्ट क्या है बेटा, कुछ नहीं है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो इसमें पहले हेडिंग लगा लिखो, पॉइंट वन लगा के, मिक्सर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सर ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा आपके सवास में कि 200 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3COOH प्लस 400 ml ऑफ 0.4 मोलर HCl, क्लियर है। अब इसका हमें सोल्व आउट करना है, हमें इसे क्या करना है, सोल्व आउट। तो आप क्या कहोगे कि सर CH3COOH है तो क्या होगा बेटा, ये तो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है ना, तो ये तो अपने हिसाब से डिसोसिएट होगा, किसमें होगा, CH3CO- और H+ में, और HCl अपने हिसाब से डिसोसिएट होगा, पर ये तो पूरा ही टूटेगा H+ और CL- में। एक सेकंड सर, क्लियर है।
चलो जी, तो अपने पास क्या है बेटा, CH3CWH वो किसमें टूटता है बेटा, CH3CO- और H+ में, और HCl किसमें टूटता है बेटा, H+ और Cl- में। अब जो बेटा ध्यान से कि मुझे यहाँ HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.4 मोलर, बस ये गलती है हमसे, इसके अलावा अपन कोई गलती करेंगे ही नहीं। जो बेटा क्या पंगा है, क्योंकि बेटा हमें इसकी नई कंसेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, आपने मिलाया है, आपने बेटा इसके 300 मिल मिला है, इसके 200 मिल मिला है, इसके 400 मिल मिला है, दो चीजों को मिलाया, तो अब इसकी वॉल्यूम 400 नहीं होगी, 600 हो गई, उसकी भी चेंज होगी, मैंने मना थोड़ी किया उसकी नहीं होगी, ये मना किया गया मैंने है। अपना सिंपल सी कहानी क्या होगा बेटा, वॉल्यूम तो सबकी बदलेगी। अब जो बेटा अपने क्या करना होंगे, मोल्स निकालने होंगे, तो किस तरह अपन मोल्स की सीधी एच प्लस की कंसेंट्रेशन निकाल लेते हैं जैसे पहले निकालते थे स्ट्रॉन्ग एसिड में, यहाँ वो नहीं निकालनी, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ सीधी रिएक्शन नहीं है, वहां तो सीधे H+ के मोल निकाले, इसके H+ के मोल निकाले, जोड़ दिए, क्लियर है, यहाँ पे सीधा राजा भाई, क्लियर है, ये चीज समझ में बेटा, बड़ी खुश हो रही है, तूने तोड़ा है वो, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी है बेटा कि अपने को क्या करना है, इनके मोल निकालने, क्या निकालने, H+ के मोल मत निकालने, यहाँ पे जब भी वीक एसिड रहे ना तो इनकी नई कंसेंट्रेशन निकालना, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो सीधे H+ और OH- के मिलीमोल निकालो और आपस में बिठा दो, लेकिन यहाँ क्या निकालना है, कंसेंट्रेशन, क्योंकि हमें कंसेंट्रेशन से इक्वेशन चलनी है। तो मुझे पता है बेटा इसके मिलीमोल कितने होंगे बेटा, 160, कितने होंगे बेटा, 160 मिलीमोल होंगे, और टोटल वॉल्यूम कितनी है बेटा, 600, तो बेटा 160 मिलीमोल है, उसको किससे डिवाइड करना है बेटा, 600 से, तो कितना आएगा बेटा, 16 आउट करके बताओ कितना आएगा, बराबर सोल्व कर दो, इतने में तो बहुत आसान है, 0.2, हाँ तो इतना बहुत है ना, 0.26, बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरह इसकी भी कंसेंट्रेशन क्या होगी, मिलीमोल कितने इसके, 40 अपॉन 600 कितना आएगा बेटा, 1/15 कितना होगा, 0.0 ये इनकी क्या होगी बेटा, नई कंसेंट्रेशन, इनका यूज करना है। तो अपन इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखेंगे, 0.06 मोलर CH3CWH प्लस 0.26 मोलर, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है, आपको क्या लिखा है बेटा, ऐसा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत है कि सर क्यों नहीं है कोई दिक्कत, क्योंकि इसका मतलब कंसेंट्रेटेड, मतलब ये काम कर, ये जो आपने किया ना ये करके दिया अगले ने, दोनों तरीके में डिफरेंस समझो, ऐसा लिखा है तो आपको ये करना है, ऐसा लिखा है तो मतलब ये करके दिया हुआ है, क्लियर है। अब HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है, 0.2600, ये कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, तो 0.26 और ये भी 0.26, बोलो कोई दिक्कत है। वीक वो टूटेगा बेटा किसमें, 0.0600 0.06 माइनस एक्स, तो ये क्या बनेगा, एक्स और एक्स, अब कॉमन एंड इफेक्ट लगाना है, मैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम दोनों होते हैं कंटेनर में रहे, तो ये तो पूरा टूट गया खत्म, अब इसको तो ऐसा कोई है नहीं जो ये कह सके H+ मेरा है, लेकिन ये CH3CWH क्या कहेगा कि जितना H+ दिख रहा है सारा मेरा, कि तुम्हारा कितना, कि एक्स तो है ही, साथ मैंने 0.26 भी मैंने दिया था कभी, ये भी मेरा ही है वहम, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स इंटू एक्स प्लस 0.26 डिवाइडेड बाई 0.06 माइनस एक्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिख लेते हैं, वो दिया बेटा आपको 1.8 इंटू 10 द पावर -5, पिछली बार वाला सेम लिखते हैं, तो कितना है बेटा, 1.8 इंटू 10 द पावर -5। अब बेटा मुझे पता है कि एक्स तो नेग्लिजिबल है, तो जब x इसके आगे नेग्लिजिबल है तो मतलब ये 0.06, तो उसमें भी क्या आएगा, 0.26 डिवाइड करके बताओ, 6 से 26 कितनी बार कटा, ऑलमोस्ट 4 टाइम कटा, तो क्या जाएगा बेटा, x इक्वल टू क्या जाएगा,
1.8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आपके पास x आ गया, क्या आ गया? अब मुझसे पूछी गई है पीएच, क्या पूछी गई है बेटा? तो पीएच क्या है बेटा, पीएच कैसे आएगी बेटा? एच प्लस ही कंसेंट्रेशन लेनी है, तो अगर अपने को एच प्लस ही कंसेंट्रेशन चाहिए तो एच प्लस ही कंसेंट्रेशन क्या है बेटा? x प्लस 0.26, और x को तो नेगलेक्ट मारा हुआ है तो कितना 0.6 है, मतलब कि अगर मुझे पीएच निकालनी है तो मुझे नोटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड से कर दो, सिर्फ कैसे कर दो, स्ट्रॉन्ग एसिड से, बता आज आज कर ली बस, आगे से कुछ भी मिले वीक एसिड कितना ही दे देगा, क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड अगर दे देगा तो कितना ही दे देगा, कुछ नहीं देने वाला है, क्लियर है? तो सीधा कैसे निकालो, स्ट्रॉन्ग एसिड से, अगर पीएच पूछिए तो किसरी फिर ये नोटिंग कब करनी है, तो पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 0.26, सॉल्व कर लेना पीएच आ जाएगी। अब हमसे वो क्या करता है बेटा, अल्फा पूछ ले इसका, तब ये नोटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि तब हमें एक्स निकालना पड़ेगा, तो अल्फा क्या होगा बेटा, एक्स बाई ए, और ए कितना 0.06, तो आपका अल्फा कितना 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई 0.06, कितना आएगा बेटा 40 अपॉन 6, मतलब 6.6, कितना ही आएगा, बोलो कोई दिक्कत है? ये अल्फा है, अब परसेंटेज में कितना आएगा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 परसेंटेज। यही क्वेश्चन अपने अभी थोड़ी देर पहले किया था, क्या था CH3CW1 अकेला था, तब अल्फा देखो कितना है, कंसेंट्रेशन में बहुत थोड़ी सी फर्क है, और अल्फा देख कितना फर्क हुआ है, -3% को चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर, इसका मतलब हमने ये सीखने को मिला कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाला, तो अभी तू कह रही थी, कौन कह रहा था कि अगर कंसेंट्रेट हुआ तो, तू कह रही थी कि अगर कंसेंट्रेट हुआ कि इसका भी कुछ पार्ट आया, पर चिंता मत करो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज किया तो ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी घटा देता है। हाँ। याद करो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में अकेले अकेले 6 और 8 टूट रहे थे और साथ में आधे आधे टूट गए थे, डिसोसिएशन भी तो कम होगा कि नहीं होगा, बोलो जितना होना चाहिए, जब अकेला जितना टूट रहा था उससे कम टूटा, तो जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो ये जितना टूट रहा था ना उससे भी कम टूटेगा, मतलब नेगलेक्ट होना ही पड़ेगा, इसे तो नेगलेक्ट होना ही पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, क्या बात समझ में आई बेटा, इसके पास नेगलेक्ट होने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, बोलो कोई दिक्कत है इसमें, पक्का समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो हमें यहाँ से क्या सीखने को मिल गया सर, अपने को कहानी में एक सिंपल सी है, अगर पीएच निकालने तो इग्नोर मारो, और यही कॉमन आयन इफेक्ट का स्टेटमेंट है। देखो कॉमन आयन इफेक्ट को तो मैं सीधा साइमल्टेनियसली कर देता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट तो याद करना पड़ेगा ना, तो स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन वी ऐड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट देन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, साइमल्टेनियस में ये तो पड़ गया लेकिन वहां स्टेटमेंट नहीं था, यह स्टेटमेंट है, ये कॉमन आयन का इफेक्ट का क्या है स्टेटमेंट, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इस न्यूमेरिकल से हमें कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आ गया क्या है, इसे उतारो फिर स्टेटमेंट लेते हैं, स्पीडली उतारो बेटा, हाँ नेक्स्ट लिखो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ए डिक्रीज, समझ में आ गया बेटा इसे। नेक्स्ट सेकंड लगाओ बेटा, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड
जैसे हमसे क्वेश्चन लिखा बेटा पीएच ऑफ एच टू एस, क्या लिखा बेटा पीएच ऑफ एच टू एस, इसको हमें के ए दिया बेटा टेन एस दी पावर माइनस सेवन, और इसका के ए टू दिया बेटा टेन एस दी पावर माइनस ए थर्टीन। तो हमें पता है बेटा पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या हो गया बेटा, जो एक से ज्यादा एच प्लस देता हो, जैसे एच टू एस वो किसमें टूटेगा बेटा एच प्लस और एच एस माइनस में, और जो एच एस माइनस है वो किसमें टूटेगा बेटा एच प्लस और एच टू माइनस में। मैंने कहा ये 0.1 मोलर था, तो देखो इस रिएक्शन को अगर ध्यान से समझो, तो रिएक्शन रियलिटी में ऐसे है कि एच टू एस है वो टूटता है बेटा एच एस माइनस में और एच प्लस में, ये एच एस माइनस फिर से टूटता है बेटा एच प्लस और एच टू माइनस में। हमने ऐसे लिखा दो बार में, लेकिन रिएक्शन तो ऐसे एक बार में ही है। तो ये 0.1 था, ये 0 0, ये 0.1 में से x गया, तो ये x और x, बोलो कोई दिक्कत है। अब रिएक्शन नीचे की तरफ है, रिएक्शन कहाँ हुई नीचे की तरफ, तो अब इसके x में से y गया, तो ये y बना और ये y, तो ये एच एस माइनस दो बार यूज हो रहा है ना, तो x माइनस y इसके लिए, तो इसके लिए भी x माइनस है y, किसी y अमाउंट में टूटा होगा, एच एस माइनस पूरा थोड़ी टूटेगा, ये भी तो वीक है, क्योंकि जिसका डिस्टोर्शन कांस्टेंट है सब वीक है, सब क्या है वीक। तो सिंपल सी कहानी है, मतलब ये 0.100, तो 0.1 में से x गया, तो ये x और x, अब मुझे पता है ये x टूटा हुआ है, क्या टूटा हुआ है x, तो यहां x लूं, इस x में से क्या जाएगा y, तो ये क्या बनेगा y, और अगर ये x माइनस y है तो इसको भी x माइनस y लिख दो। अब बच्चे के मन में आता है इसको क्यों लिख दिया, अरे है तो ये रिएक्शन तो ऐसे ऐसे लिखते तो अच्छे थोड़े लगते, क्लियर है तो वही चीज ना यहाँ पे, तो अगर ये x माइनस यहाँ y हो गया तो इसका मतलब इस इक्वेशन में x माइनस है y। अब देखो ध्यान से, y कॉमन है, इनफैक्ट h प्लस तो दोनों को लगेगा, इसको क्या वहम और क्या है कि h प्लस सारा मेरा, और इसको क्या वहम और क्या h प्लस सारा मेरा। अब मुझे पता है कि जो k a डैश है वो ग्रेटर देन है बेटा k डबल डैश, मतलब x, इसका मतलब क्या पहली रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है दूसरी से, इसका मतलब पहली वाली बहुत डिसोसिएट होती है दूसरी कंपैरिजन में, और पहली बहुत डिसोसिएट होती है, इसका मतलब क्या हुआ x बहुत बड़ा है y से, और मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन पता है ये दोनों बहुत छोटे हैं 0.1 से, इसको 0.1 लेना, पीएच ऑफ 0.1 मोलर लिख दे रहे क्वेश्चन में, क्लियर है बेटा। इसमें लिखा हुआ है कि 10 की पावर माइनस 7 और माइनस 13 से बहुत बड़ा है, इसको मतलब पहली रिएक्शन बहुत डिसोसिएट हो रही है, और पहली रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है x, तो इसका मतलब x बहुत बड़ा है किससे y से, दूसरी रिएक्शन का डिसोसिएशन तो y है ना, तो ये चीज समझ में आई। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर माइनस 7 इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1, मतलब क्या हो गया बेटा कि अगर डिवाइड करूंगा तो माइनस 6 आएगा, मतलब क्या हो गया जो इसका भी x है वो बहुत छोटा है किससे 0.1 से, बोलो कोई दिक्कत है। तो मैं यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखूंगा, पहली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 10 की पावर माइनस 7, क्लियर है। अब मुझे पता है x प्लस वाई है, पहले एक बार एक क्वेश्चन में तो पूरा लिख लेते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x, बोलो कोई दिक्कत है। इसी तरह दूसरी रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 13 इक्वल टू x प्लस वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो बेटा यहां से मुझे पता है कि x प्लस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा x, x माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूं x, क्योंकि बेटा दोनों क्या है बेटा x माइनस वाई, x बहुत बड़ा है बेटा, तो x प्लस वाई को x, इसको x, और इसको क्या लिख सकता हूं बेटा 0.1, तो x स्क्वायर कितना आ गया 10 की पावर माइनस 8, तो x कितना आ गया 10 की पावर माइनस 4। यहां पे x प्लस वाई को क्या लिख सकता हूं x, x माइनस वाई को क्या लिख सकता हूं x, तो x x कट गया, तो y कितना आ गया 10 की पावर माइनस 13। अब अगर मैं इसका क्या निकालूं बेटा पीएच, क्या निकालूं पीएच, तो पीएच निकालने के लिए मुझे एच प्लस ही कंसेंट्रेशन चाहिए, जो क्या है बेटा एक्स प्लस है, जो कि नियर बाई क्या है x, तो पीएच क्या आ जाएगा बेटा 4, कितना आ जाएगा 4। तो मतलब मुझे फिर से पीएच निकालने, दूसरी रिएक्शन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझसे अल्फा पूछे, तो अल्फा ऑफ एच टू एस क्या होगा बेटा, पहले वाले का डिस्टोर्शन x अपॉन 0.1, तो 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 0.1 कितना आएगा 10 की पावर माइनस है, मतलब 10 की पावर माइनस 1%। अल्फा एच एस माइनस क्या आएगा बेटा एक्स अपॉन ए, सॉरी
वाई अपॉन नहीं वाई अपॉन एक्स, इनिशियल एक्स था ही जब टूटा था, कितना बना था एक्स, एक्स में से वाई बनाया ना, तो इनिशियल इसका कितना होगा एक्स, वाई जो टूटा इनिशियल ये कितना था एक्स, भाई यहाँ से ये एक्स बन गया था, फिर ये एक्स आया, क्लियर है कुछ मत हो ये कितना है बेटा एक्स, क्या है बेटा एक्स, क्लियर है सुना वापिस से इसको तो बस मानना चाहिए ये गिर रहा है तो बस अब है मर क्यों नहीं जाती अब जो ध्यान से बेटा कि अपने पास एच एस माइनस है, अब ध्यान सुनो बेटा इसका वाई अमाउंट टूटा है लेकिन ये टूटने से पहले कितना था एक्स, एक्स था तो इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स मानी जाएगी ना इसकी, तो क्या लिखोगे बेटा अल्फा एच एस माइनस वाई डिसोसिएट इनिशियल कितना एक्स, तो कितना 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 9, 10 की पावर माइनस 7 परसेंट है। तो देख लो अपन ने गलत नहीं माना था, नहीं क्यों लेंगे, लेंगे नहीं ना, बात गलत तो गलत ही होती है ना, बोलो कोई दिक्कत है आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं समझ में आ गया, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना कैलकुलेशन वाइज भी, तो अच्छा जल्दी से छापो बेटा नेक्स्ट लिखो बेटा क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट पीएच, फाइंड आउट पीएच ऑफ 0.1 मोलर H3PO4, H3PO4 अब वो कंसेंट्रेशन में लिखवा नहीं रहा क्वेश्चन, आपको पता है सबकी कंसेंट्रेशन सब निकालनी है, तो आपको के दिया हुआ है बेटा 10 की पावर माइनस 4 1, Ka2 दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 8 और Ka3 दिया हुआ है बेटा 10 की पावर माइनस 11, तो आप इसे क्या लिख सकते हो बेटा कि H3PO4 ब्रेक डाउन होगा किसमें बेटा H2PO4 और माइनस और H प्लस में, क्लियर, H2PO4 माइनस किसमें टूटेगा बेटा HPO4 2 माइनस और H प्लस में, और HPO4 2 माइनस किसमें टूटेगा बेटा PO4 3 माइनस और एच प्लस में, इनिशियल इसका कितना है बेटा 0.1, तो ये 0 0 तो 0.1 माइनस ए माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा एक्स और ए एक्स, ये एक्स है तो एक्स में से वाई गया तो ये वाई और ए वाई, ये वाई में से बेटा जेड गया तो ये जेड और ए, ये वाई माइनस जेड तो ये वाई माइनस जेड, ये एक्स माइनस वाई तो ये भी एक्स माइनस ए वाई, लेकिन हमें पता है एच प्लस सारा कंटेनर में एक में, तो ऊपर वाले का वहम होगा कि सारा एच प्लस मेरा है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड सारे को ही अपना मानेगा, सेम कहानी बेटा एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड, और सेम कहानी बेटा आपके इसके लिए होगी बेटा एक्स प्लस वाई प्लस ए जेड। अब मुझे फिर से कहानी तो समझ में आई रखी है कि के वन बहुत बड़ा है बेटा के ए टू से, और के ए टू बहुत बड़ा है के ए थ्री से, तो सिंपल सी कहानी है कि के ए वन ग्रेटर देन ग्रेटर देन के ए टू ग्रेटर देन ग्रेटर देन के ए थ्री, क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ एक्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन जेड, और ये सब 0.1 से छोटे, तो अपन सीधा लिख लेते हैं, देखो हमें पता है पहली इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है 10 की पावर माइनस ए 4, तो 10 की पावर माइनस 4 किसके लिए, देखो ध्यान से इसमें से क्या x माइनस वाई को मैं वाई नेगलेक्ट मानना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ x, x प्लस वाई प्लस जेड को क्या लिख सकता हूँ x डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस x को क्या लिखूंगा 0.1, तो x स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5, तो x इक्वल टू आएगा 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, वो सॉल्व कर लिया, अब पीएस तो यहीं से होगी कहानी खत्म, पीएस तो यहीं से होगी, अब अगर पीएच नहीं निकाल के आगे भी निकालना है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है 10 की पावर माइनस 8, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड को y इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस वाई को x, तो y कितना आ गया 10 की पावर माइनस 8, क्लियर है, इस वाले के लिए बेटा ध्यान से z इंटू एक्स और y माइनस जेड को y इक्वल टू 10 की पावर माइनस 11, तो बेटा y और x की वैल्यू पता है बेटा अपने को, तो z इक्वल टू क्या आएगा y इंटू 10 की पावर माइनस 11 अपॉन x, तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 8 माइनस 19, और नीचे कितना है बेटा कितना हो जाएगा टोटल सॉल्व करके बोल,
10 की पावर माइनस है 16। आगे समझ में, ये अपने पास क्या आ गया बेटा, जेड क्या आ गया बेटा, जेड। बोलो कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब पीएस निकालना तो बहुत आसान है क्योंकि एच प्लस की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल है बेटा, एक्स के इक्वल है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो कि नियर बाई क्या है एक्स, तो पीएच कितना आ गया बेटा 3 माइनस लॉग 3। अब अल्फा ऑफ, अब हमसे कंसेंट्रेशन पूछे कि इसकी कंसेंट्रेशन बताओ तो वाई, इसकी कंसेंट्रेशन जेड, इसकी कंसेंट्रेशन है एक्स के अराउंड ही है, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है एक्स। अल्फा पूछे तो अल्फा एस थ्री पीओ फोर का पूछेगा, तो एस थ्री पीओ फोर का क्या लिखोगे बेटा एक्स अपॉन ए 0.1। अल्फा ऑफ एच टू पी ओ फोर माइनस पूछेगा तो क्या लिखोगे वाई बाई एक्स, और अल्फा ऑफ एच पी ओ फोर टू माइनस का पूछेगा तो जेड बाई वाई। सर का क्या, सबका क्या जाएगा अल्फा, क्या जाएगा अल्फा। उतारो बेटा इसे, स्पीड उतारो बेटा। क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड आउट पीएच ऑफ, फाइंड आउट पीएच ऑफ 0.1 मोलर, फाइंड आउट पीएच ऑफ 0.1 मोलर एथेन 1,2-diamine सॉल्यूशन, एथेन 1,2-diamine सॉल्यूशन। तो बेटा आपको दिया हुआ है के बी फर्स्ट 10^-5 और के बी सेकेंड दिया है बेटा 10^-10। तो बेटा एथेन 1,2-diamine कौन है बेटा आपके पास में, CH2 NH2। अपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा इसका शॉर्ट नाम क्या होता है EN, क्या होता है EN। अब जो बेटा ध्यान से रिएक्शन करता कैसे, जैसे अपने पास है CH2 NH2, ये पहले पानी से रिएक्शन करेगा बेटा और एक बार में एक एच प्लस लेगा क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा बाइनरी सॉल्ट, क्या पढ़ रहे हैं बेटा बाइनरी सॉल्ट, तो एक एच प्लस लेगा तो एक ओ एच माइनस दे देगा। अगली बार ये क्या करेगा बेटा, फिर से एक एच प्लस लेगा बेटा और क्या बन जाएगा NH3+ और OH माइनस। ये 0.1 था तो मैं से इसको 0,0 लिख दे, ये 0.1 में से X गया तो ये क्या बनेगा बेटा X और स्पेस दे देते हैं ताकि दिखने में सही आए, ये 0.1 था तो ये 0 और है, तो 0.1 में से X गया तो ये X और है, इस X में से Y गया तो ये Y और है, वाई ओ एच माइनस पे कॉमन आई इनफेक्ट लगाऊंगा तो एक्स प्लस ए और ये एक्स माइनस वाई। क्लियर, अब यहां से हम क्या करेंगे सेम कहानी करेंगे बेटा, क्या निकाल देंगे ओ एच माइनस की कंसेंट्रेशन, इससे क्या निकाल देंगे पी ओ एच और पी ओ एच से पी एच, सर क्या इनका भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, ये सब निकाल सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, आपको बताया था बेटा अगर इस तरह का बेस आए तो एच टू ओ लेके करना होता है, क्या लेना होता है या तो खुद ओ एच माइनस दे दे नहीं एच टू ओ लिख के लिख दे, ठीक है इसे उतार लो बेटा, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, घर से कर लेना आगेगा ना तेजी से थोड़ा सा। ऐसे एसिड रहता है नहीं, एसिड तो सब एच प्लस वाले होते हैं। नेक्स्ट लिखो बेटा पीएच ऑफ
पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ वीक एसिड, सॉरी मिक्सर ऑफ वीक पॉलीट्रोपिक पॉलीप्रोटिक एसिड, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन दे दिया 300 ml ऑफ 0.2 मोलर H2S प्लस 300 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। Ka दिया है बेटा आपको H2S के लिए फर्स्ट दिया है 10^-7 और Ke2 दिया है 10^-13। किसके लिए बेटा ये? H2S के लिए। हमें वही pH निकालनी है, थोड़ा सिंपल है। हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? कंसंट्रेशन आधी करनी होगी। तो नई कंसंट्रेशन कितनी होगी बेटा? 0.1। अब देखो वॉल्यूम दुगनी की गई, सीधा सीधा कर दो कंसेप्ट लाइन। वॉल्यूम सीधी किया गई 300, 300, 600, तो वॉल्यूम दुगनी, तो कंसंट्रेशन है सीधी आधी कर दो। क्लियर? अब पीएच तो सीधा एचसीएल से निकाल सकते हो। क्लियर है? अपन पूरा करते हैं। तो ये अपने पास H2S है बेटा, किसमें टूटेगा बेटा? एच प्लस और एसएस माइनस में, और ये एच एस माइनस किसमें टूटेगा बेटा? एच प्लस और एस टू माइनस में। ये 0.1, ये 0, 0, ये 0.1 में से x गया, ये x और x, ये x में से y गया, तो ये क्या बना बेटा? y और y, x माइनस y, तो ये भी x माइनस y, ये भी x प्लस a y और x प्लस a y। अब HCl तो पूरा ही टूटेगा बेटा, इसमें बेटा H प्लस और a Cl माइनस में 0.100, तो ये 0.1 और ये 0.a। अब जैसे ये वो टूटा तो इनको कह रहे हमारा गलती हो गई, हमारा x प्लस वाई नहीं, x प्लस वाई प्लस 0.1 एच प्लस है वह। क्लियर है? अब वही कंसेप्ट है बेटा, x ग्रेटर देन ग्रेटर देन y, क्योंकि पहले का डिस्टोर्शन कांस्टेंट ज्यादा है और इनसे बड़ा कौन है? 0.1। तो अपन पहली इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? 10^-7। तो बेटा मुझे पता है x प्लस y प्लस 0.1 कितना आना है? 0.1। और x माइनस y क्या आना है बेटा? x नीचे वाले से क्या आना है? 0.1। तो x कितना आ गया? 10^-7। बोलो कोई दिक्कत है? नीचे वाले में क्या आना है? x प्लस y प्लस 0.1 कितना आना है? 0.1 इंटू वाई। और x माइनस y किसके इक्वल आना है बेटा? x के इक्वल किसके बेटा? 10^-13 के। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो y आ जाएगा 10^-19। y की वैल्यू रख के सोल्व करेंगे। आगे सुन में, अब मैं अल्फा निकालूं, मुझे पीएच निकालने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। हमें पता है h प्लस e कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? x प्लस y प्लस 0.1 जो कि नियर बाय किसके इक्वल है? 0.1। तो पीएच कितना आ गया? 1। पीएच कितना आ गया? 1। अब मुझे अल्फा ऑफ H2S निकालूं, तो अल्फा क्या होगा? x अपॉन 0.1 10^-7 अपॉन 0.1 इक्वल टू 10^-6। और अल्फा ऑफ HS माइनस क्या होगा बेटा? y अपॉन x 10^-19 अपॉन 10^-7 कितना आएगा? -11। तो 10^-9 है परसेंटेज, सॉरी -12 है, -12 है, तो ये -10। अब देखो बड़ा ध्यान से, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि सर हमने कॉमन आयन इफेक्ट का जब क्वेश्चन कराया था तो आपने कहा सर CH3CWH को आपने कंपेयर किया था, कंसंट्रेशन सेम नहीं थी, कंसंट्रेशन बदल गई, तो हम आप पे कैसे भरोसा करेंगे? अल्फा उसकी वजह से घटा था कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। अब की बार अपन ध्यान से देखें, अगर इस H2S वाले क्वेश्चन को, जस्ट हमने पॉलीप्रोटिक का पहला केस H2S लिया था, जब ये अकेला था, जब ये अकेला था तब इसका अल्फा कितना आया था रे? देख लो पन्ना पलट के, पॉलीप्रोटिक 10^-1%। अबे -4, सेम ही कंसंट्रेशन थी, मतलब कितना कम हो गया। और इसका भी देख लो एचएस माइनस का, तो और भी कम हो गया। आ रही बात में? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? मतलब और भी कम हो गया इसके कंपैरिजन में, क्या चीज समझ में आई? तो यही कॉमन आयन इफेक्ट है, यही क्या है बेटा? तो आप पिछली बार तो अपन कह सकते सर कंसंट्रेशन अलग थी, हम आप पे भरोसा कैसे करें? आप तो कर सकते हो।
नेक्स्ट लिखो बेटा पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ वीक एसिड, पीएच ऑफ मिक्सर ऑफ वीक एसिड, ये जो मिक्सर ऑफ वीक एसिड। अब जो वीक एसिड क्या अपने पास, दो वीक एसिड अपने का एच ए और एच बी, हमें लिखा हुआ है कि 0.1 मोलर एच ए प्लस 0.1 मोलर एच बी सॉल्यूशन आपके पास में। इसमें दो केस है, एक केस फर्स्ट है जिसमें हमें कहा हुआ है कि के ओ एच ए ग्रेटर देन है के ओ पे एच बी, जैसे आपको लिख दिया के ओ एच ए है वो दिया 10 की पावर -5 और के ओ एच बी दिया है बेटा 10 की पावर -8, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, एच ए किसमें टूटेगा बेटा एच प्लस और ए माइनस में, तो 0.100 माइनस एक्स और एक्स एक्स, एच बी किसमें टूटेगा बेटा एच प्लस और 0.100 माइनस एक्स सॉरी वाई वाई और वाई, तो ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई, आपस में वैसे और कुछ करना नहीं है। अब आपको पता है वही कहानी है, इसको इग्नोर मारते हुए दोनों के एक्स और वाई निकाल दोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल दोगे, सब निकाल दोगे, तो ये तो पहला केस हो गया। क्या हो गया बेटा पहला केस। केस सेकंड क्या है बेटा आपके पास में, कि आपके पास जो के ऑफ एच ए वो नियर बाय सिमिलर है के ऑफ एच बी के, मतलब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, तो के ऑफ एच इसमें इग्नोर नहीं मारेंगे ना, एक जैसे मैंने लिख दिया 10 की पावर -5 है के ऑफ एच बी 2 × 10 की पावर -5 है, 2 × 10 की पावर -8, आप इग्नोर नहीं कर सकते, -4 हुआ तो इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते मतलब क्या हुआ कि एच ए किसमें टूटेगा बेटा एच प्लस और ए माइनस में 0.100 0.1 माइनस एक्स और एक्स, एच बी क्या लिखोगे एच प्लस और बी माइनस 0.100 0.1 माइनस वाई और ए, तो बेटा मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को, मुझे पता एक्स को तो इग्नोर ही मार सकता हूँ, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या आएगी बेटा 10 की पावर -5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1, नीचे वाले में क्या आएगा 10 की पावर 2 × 10 की पावर -5 इक्वल टू सॉरी गलती हो गई, ये एक्स प्लस वाई और ये क्योंकि कॉमन है इनफैक्ट तो लगेगा ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स और नीचे वाला क्या होगा बेटा एक्स प्लस वाई इंटू 0.1। अब देखो डिवाइड करना है, डिवाइड कर दो, ऐड करना, डिवाइड करोगे तो एक्स अपॉन वाई का रेशियो आ जाएगा, क्लियर है। और अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू 10 की पावर -6 और नीचे वाली को क्या लिख दू 2 × 10 की पावर -6 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, अगर दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ूंगा तो वो आ जाएगा बेटा 3 × 10 की पावर -6 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का, कब जब दोनों को क्या करूंगा जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर मैं जोड़ के लिखूं तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या एच प्लस की कंसेंट्रेशन, इसी से क्या आ जाएगी पीएच, क्या जाएगी पीएच। बोलो कोई दिक्कत है, रेशियो पूछे तो सीधा डिवाइड कर दूंगा, आई बात में, अल्फा पूछे तो एक्स प्लस वाई आ गया, इसमें एक्स प्लस वाई रखते एक्स, इसमें एक्स प्लस वाई रखते ही वाई, एक्स और वाई आ गया, तो एक्स अब की बार एक्स अपॉन 0.1 और वाई अपॉन भी 0.1, क्योंकि इसकी भी इनिशियली कितनी है 0.1। आगे समझ में, तो सारे सारे एक से ही क्वेश्चन है, ये उतारो और हेडिंग लगाओ साल्ट हाइड्रोलाइसिस। मैं एडिटिंग कर दूंगा इसको, नेक्स्ट हेडिंग लिखो साल्ट हाइड्रोलाइसिस।
साल्ट हाइड्रोलाइसिस सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसको पढ़ तो लेंगे लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमें यही नहीं पता लगता कि लगाना है कैसे, क्योंकि पढ़ाते तो हम साल्ट साल्ट है और एक भी क्वेश्चन में साल्ट नहीं लिखा था, एक भी क्वेश्चन में साल्ट है। बच्चा कंफ्यूज होकर घूमता रहता है कि सर पढ़ाया वो तो, वो एक गाना है ना कि आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं नजर ना आया, सुना कभी? नहीं सुना क्या? मतलब उस पे तो बहुत अच्छे मीम्स है, ये तो बहुत अच्छा मीम है, मतलब तुम्हें तो कहीं पर भी टॉप नहीं करते ना मीम्स भी, तो क्लियर रखा करो कि सारे मीम क्लियर है, सुन रहे ना? नहीं मैंने नहीं बनाया था, बहुत पहले कोई बहुत पुरानी मूवी है उसका गाना था। हाँ एकदम नया है, तेरे तेरे बुरा पुराना नहीं है ना, बुढ़ाऊ। अब तो ध्यान से कि बात करते हैं कि चीजों को, कि अपने जब साल्ट हाइड्रोलाइसिस से पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, क्वेश्चन को पढ़ते समय तो बहुत अच्छा लगता है कि सर बहुत आसान है साल्ट था, लेकिन क्वेश्चन लिखा ही नहीं आता कि साल्ट हाइड्रोलाइसिस करो। बच्चा इसके फॉर्मूले भी चार पांच, चार के पांच छह फॉर्मूले इसमें रट रट आगे फॉर्मूला एकदम तैयार रखता है कि सर फॉर्मूले भी याद है हमें, मुझे हाइड्रोलाइसिस का भी याद है, केएच का फॉर्मूला भी याद है, पीएच का भी याद है, सब याद है, लेकिन इनके है क्लियर करवाए भी है। तो अभी दोबारा कराता हूँ, देख तुझे याद आएगा क्लियर है। अब समस्या क्या होती है बेटा इसमें, जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला करोगे क्या? हाँ अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है फाइंड आउट पीएच, फाइंड आउट ए पीएच। अब देखो कैसे लिखा आता है, 300 ml ऑफ 0.1 molar H2SO4 प्लस 300 ml ऑफ 0.1 molar NaOH, ये लिखा आता है। हरी बात में अब ऐसे क्वेश्चन आए ना तो रुक जाओ, आप पहले इसमें H प्लस के मोल निकालो, क्या निकालो H प्लस के कितने मोल आएंगे, H प्लस के 30 नहीं 60, 60 मिलीमोल कितने आए, क्लियर है? इसके कितने आए, OH माइनस के कितने आए, 30 मिलीमोल। तो ये तो क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, किसके लिए क्या साल्ट हाइड्रोलाइसिस है, कौन बच जाएगा, H प्लस बच जाएगा, तो H प्लस के कितने बच जाएंगे, 30 मिलीमोल, कितने बच गए 30 मिलीमोल। कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, 30 बाई 600, मतलब 1 बाई 20, तो पीएच क्या आ जाएगी बेटा, log 20, वो माइनस करके सोल्व कर दिया तो पीएच क्या आ जाएगी, log 20। तो ये तो बहुत आसान है, मतलब अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन लिखाएगा, ऐसे लिखा था क्वेश्चन, तो अगर एसिड बच गया तो एसिड वाले से कर दो, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें बेस बच गया था बेस वाले से कर दो, ठीक है। कि सर इसमें भी साल्ट तो बनेगा ना, कि सर कितना साल्ट बनेगा, इसके 30 मिलीमोल इसके 30 मिलीमोल के साथ साल्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन हमने पढ़ रखा कॉमन आयन इफेक्ट, जहां स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस प्रेजेंट होता है वहां बाकियों की चलती वलती नहीं है। अरे बात में बाकियों की चलती वलती, हाँ तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो अभी भी साल्ट भी बनेगा और साल्ट के साथ बचा हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड भी बचेगा, तो साल्ट को इग्नोर, साल्ट को चुपचाप जो बचा हुआ एसिड उससे सोल्व कर दो, बचा हुआ उससे बेस से सोल्व कर दो, तो करते हुए आए ना। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा गया 300 ml ऑफ 0.1 molar HCl प्लस 300 ml ऑफ 0.1 molar NaOH, यहां से मुझे पता है कि H प्लस कितना आएगा, 30 मिलीमोल, OH माइनस भी कितना आएगा बेटा, 30 मिली मोल, सब ये तो खत्म, और बचेगा क्या बेटा, NaCl, ये है सॉल्ट, ये क्या है बेटा, तो सिर्फ सिर्फ सॉल्ट बचा रहे तभी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस लगाने, क्योंकि पढ़ते समय तो मैं सॉल्ट लेके पढ़ूंगा ना, मैं सीधा सॉल्यूशन NaCl से करूंगा, NH4Cl सॉल्ट से करूंगा, तो आप लगाओगे कब, कि सर हम लगाएंगे तब जब रिएक्शन कहां से शुरू हो रही हो बेटा, सॉल्ट से, किससे बचे, इसमें इसमें बचा हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, कॉमन आयन इफेक्ट लगाऊंगा, इस साल्ट की क्या औकात है, इसके आगे वीक एसिड कोई औकात नहीं थी, साल्ट की तो क्या ही औकात है, आ रही बात में, जहां वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड था वहां वीक एसिड का कुछ चली थी क्या, ना, तो साल्ट की चलनी क्या बेचारे की, जब सिर्फ साल्ट होगा तभी जो अभी पढ़ेंगे ना कहानी वो सुन लगानी है, वरना लगानी नहीं कहानी, आ रही बात में। तो हमें क्या समझ में आ गया बेटा यहाँ से, कि सर हमें समझ में आ गया कि सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस तभी लगा रहा है जब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से सिर्फ सॉल्ट हो, मतलब व्हेन एसिड एंड बेस बोथ आर लिमिटिंग रिएक्शन,
तभी लगानी, जितनी रामायण पढ़ेंगे ना वो पूरी की पूरी सॉल्व एडजस्ट तभी लगानी, वरना हाथ भी नहीं लगाना है। चुपचाप ये पढ़ते आए हो, ये करते हो, ये करते हैं ना, क्योंकि कंफ्यूजन इसलिए तो आता है, ये और ये क्वेश्चन तो सेम ही तरीका है ना। अब बच्चा कहता है सॉल्व एडजस्ट तो दिए नहीं, कहां लगाना है, मास्टर बावली बातें करता रहता है। क्लियर है, आ रही बात में? तो इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, इस वाले अगर ऐसा आए तो मास्टर ने शुरुआत में कराया था वैसा करना है। इसमें क्या लिखोगे, अगर साल्ट ही बचे तो जो मास्टर ने साल्ट हाइड्रोलाइसिस में रोना रोया था वही रोना है। क्लियर है, समझ में आ गया? अब अपन साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, होगा नहीं ना, क्लियर, एक साथ ही पढ़ेंगे पूरे को।